अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तीन बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। दोस्तों, वो कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं और पाकिस्तान का स्क्वाड बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाजमी वॉच करिएगा और हमारे चैनल स्टोरी ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आने वाली हर क्रिकेट की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आईसीसी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का न्यू स्क्वाड सामने आ गया है। दोस्तों, आपको स्क्वाड पढ़ के बताता हूँ, जिसमें बाबर आजम कप्तान होंगे, इसके अलावा आसिफ अली और फ़खर जमान। दोस्तों, फ़खर जमान जो कि इससे पहले स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, वो रिजर्व प्लेयर में थे, इनको भी शामिल कर लिया है 15 के स्क्वाड में। उसके बाद हैदर अली भी आए हैं जो कि इससे पहले स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, उनको भी शामिल किया है। उसके बाद शुएब मकसूद हैं, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर होंगे और सरफराज अहमद को भी शामिल किया है टी20 वर्ल्ड कप के 15 रुकनी स्क्वाड में। उसके बाद इमाद वसीम होंगे, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, शदाब खान, हारिस रऊफ, हसन अली और इसके अलावा शाहीन शाह आफरीदी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दोस्तों, अगर रिजर्व प्लेयर्स की बात करें तो खुर्शीद शाह, शाहनवाज धानी और इसके अलावा उस्मान कादी रिजर्व प्लेयर्स में होंगे। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तीन बड़ी तब्दीलियां, जो कि सरफराज अहमद, फ़खर जमान और हैदर अली को आईसीसी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2021 के 15 खिलाड़ियों में शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आने वाली हर क्रिकेट की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।